हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आप घर पे लिप स्क्रब कैसे बना सकते हैं। इट्स अ DIY लिप स्क्रब ट्यूटोरियल। हमारे लिप्स के अंदर कोई भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते हैं, जिसके कारण लिप्स हमेशा ड्राई और बेजान हो जाते हैं और सर्दियों में ये फट भी जाते हैं। तो अगर आप होठों को रेगुलर स्क्रब करते हैं तो ये आपके जो होठों के टिश्यूज होते हैं उन्हें मजबूत बनाते हैं और सारे डेड स्किन को हटा देते हैं। अगर और इवन के ऑर्गेनिक लिप स्क्रब यूज करते हैं या घर में बना हुआ, तो ये जो प्रीमेच्योर रिंकल्स हैं, इन्फेक्शन है, उससे प्रिवेंट करते हैं। तो घर पे लिप स्क्रब बनाने के लिए हमें चाहिए ये हनी। आप ये देख सकते हो, हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके वजह से ये जो इन्फेक्शंस होते हैं उसे प्रिवेंट करते हैं और हील भी करते हैं। ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज करते हैं। शुगर, आप ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, कोई भी शुगर ले सकते हैं। शुगर में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो लिप्स को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही लेमन जूस, लेमन जूस में ब्लीचिंग एजेंट होता है जो एज ए ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है इसमें, तो आपके लिप्स को वाइटन करने यानी आपके लिप्स को पिंक बनाने में ये हेल्प करता है। और उसके साथ ही चाहिए ये एक खाली डब्बा और ये स्पून। तो चलिए अब हम लिप स्क्रब बनाते हैं। तो ये रहा कंटेनर। इसमें मैंने ये शुगर डाला अब मैं ये हाफ स्पून मैंने लेमन डाला। ओके, टू स्पून शुगर, हाफ स्पून लेमन। एंड आप हनी जो है आप अपने अकॉर्डिंग डालें कि आपको, जैसे देख सकते हैं 1 स्पून ही ये काफ़ी है। और साथ में ये हाफ स्पून ऑलिव ऑयल। तो ये मेजरमेंट कोई फिक्स नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, बट ये सारे प्रोडक्ट्स आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए, आप इसे इस तरह से अपने होठों पे सर्कुलर मोशन में 1 मिनट तक स्क्रब करें, जिससे आप देखेंगे आपके सारे डेड स्किन हैं वो पूरी तरह से हट जाएंगे, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। और आप इसे हफ्ते में एक ही बार यूज करें, या फिर कोई बिग इवेंट है और आपको पार्टी में जाना है और आप रेड लिपस्टिक लगाना चाह रहे हो जो बहुत ही स्मूथली आई, तो आप पहले अपने लिप को स्क्रब करें, देन अच्छे से उसे लिप बाम से मॉइस्चराइज करें और तब लिपस्टिक लगाएं। अब आप इसे अच्छे साफ करें। हाँ, आप जब स्क्रब करेंगे उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।